जिंदगी में सबसे फास्ट बदलाव लाने की साइंस को कहते हैं NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर से आपकी फोटो एडिट हो जाए तो आप फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डालते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो एडिट करना है तो आप वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर डालते हैं। यानी कंप्यूटर को आप प्रोग्राम कर सकते हैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। उसी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए आप प्रोग्रामिंग के थ्रू उसे और बेहतर बना सकते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? इसी तरह से दोस्तों आपके ब्रेन को भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। बट जैसे कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए लैंग्वेजेस है, जावा, C++, और भी आजकल आधुनिक लैंग्वेजेस कई सारी आ गई होंगी, ऐसे ही ब्रेन को प्रोग्राम करने के लिए है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मतलब ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स क्या हैं? जैसे मान लीजिए एक सीलिंग है और सीलिंग में 10 अलग अलग बल्ब लगे हुए हैं और उनके 10 अलग अलग स्विचेस हैं। मान लीजिए मैंने ए स्विच दबाया तो ए बल्ब जला, ऑलराइट? बी स्विच दबाया तो बी बल्ब जला। अब क्या हो रखा है, इस स्विच के बीच में और इस बल्ब के बीच में एक सर्किट कनेक्शन है। जितनी बार मैं इस स्विच को प्रेस करूंगा उतनी बार यही बल्ब जलेगा। ए स्विच को प्रेस करने पे ए बल्ब, बी स्विच को प्रेस करने पे बी बल्ब। इतना समझ में आया? वंडरफुल। नाउ ब्रेन में भी ऐसा ही होता है। मान लीजिए आपने कोई एक्सीडेंट देखा, अब फ्यूचर में कभी वापस से वही एक्सीडेंट आता है तो वही वाली फीलिंग, वही वाली कल्पना फिर से आ जाती है। आप में से किसी ने बिजनेस में कोई लॉस देख लिया तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बिजनेस करने का नाम भी लेते हैं या सोचते हैं तो वो वाली पूरी घटना आपके याद आ जाती है। आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोचते हैं तो उसके साथ बिताए सारे पल आपको याद आ जाते हैं, करेक्ट? यानी कि वो स्विच दबाया और वही बल्ब जला। इज दैट क्लियर? दोस्तों ये है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब कैन वी चेंज दिस प्रोग्रामिंग? यस। ए स्विच दबाने से बी बल्ब जल रहा है, क्या हम ए स्विच का वायर सी बल्ब से जोड़ सकते हैं कि अब ए स्विच दबाने से सी बल्ब जले और ए ना जले? यस, इट इज पॉसिबल। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट्स को चेंज कर सकते हैं, वैसे ही हम अपने ब्रेन के वायरिंग्स को चेंज कर सकते हैं, अपने डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं। सबसे पहले जब मैं स्टेज पर गया पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए तो मैं बहुत घबरा गया और हमें एक मिनट की स्पीच देनी थी सिर्फ, लेकिन मैं बोल नहीं पाया, काफ़ी लोग मुझ पे हंसे। मैं उस स्पीच को देने के लिए 10-15 दिन मैंने अंग्रेज़ी में तैयारी की पहले, फिर अंग्रेज़ी में मैं घबरा गया तो फिर मैंने हिंदी में तैयारी की। मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं थी। मेरे माइंड में एक फोबिया बैठ गया, स्टेज पे जाना मतलब बहुत बड़ा नुकसान होना, बहुत सारे लोग आप पे हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाया जाएगा, यही मैंने सोच लिया। ये घटना मेरी ज़िंदगी में घटी थी 1999 में। उसके बाद से लेके मैं कभी स्टेज पे नहीं गया। 2007 में जब मैं पुणे आया, मेरे फर्स्ट टीचर मनीष गुप्ता सर से मिला, उन्होंने कहा भूपेंद्र स्टेज पे जा, क्योंकि जब तू स्टेज से बात करेगा तो बहुत ज़्यादा तेरी तरक्की होगी। मैं उनके पास गया और मैंने कहा सर स्टेज पे जाना ये मेरा काम नहीं है, आई गेट स्केयर्ड। हर चीज़ सीखी जा सकती है। धीरे धीरे प्रोग्रामिंग चेंज हुई, धीरे धीरे मैं स्टेज पर जाने लगा। उन्होंने कहा ऐसे खड़ा होना है, ऐसे बात करना है, इस एनर्जी से बात करना है, इस तरह से बात करना है। धीरे धीरे सब कुछ चेंज होने लगा एंड हुर्रे, एक दिन ऐसा आया कि मैं स्टेज पर बात करने लगा। क्या मेरे सर्किट चेंज हुए? यस। पहले स्टेज मतलब फियर, आज स्टेज मतलब मजा, पूरा सर्किट चेंज हो गया, करेक्ट? तो दोस्तों NLP एक ऐसी चीज है जो कि आपको फास्टेस्ट तरीके से रिजल्ट दे सकती है। एक और लास्ट उदाहरण समझते हैं कि इस कमरे में अगर 10 साल से अंधेरा है तो क्या उजाला लाने के लिए 10 साल लगेंगे? नो, उजाला एक दिन में आ सकता है, एक माचिस की तीली से आ सकता है, एक मोमबत्ती से आ सकता है, इमीडिएट आ सकता है। तो ऐसे ही आपका अगर कोई बिहेवियर पिछले 10 साल से नेगेटिव है या एवरेज है या कोई बिलीफ सिस्टम एवरेज है तो उसे चेंज करने में 20 साल नहीं लगते, उसे चेंज किया जा सकता है मिनटों में। तो एक छोटी टेक्निक NLP की हम सीखते हैं और ये टेक्निक आपकी जिंदगी को पूरी तरह से चेंज कर देगी। इसको कहते हैं एंकरिंग। क्या कहते हैं? एंकरिंग। देखिए, आज आप में से कई लोगों को आगे बढ़ना है और आपको ज्यादा पैसे कमाना है, एम आई राइट रॉन्ग? अब प्रॉब्लम ये है कि जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं ना, उनके माइंड में डीप रूटेड है ये कि पैसा बहुत मुश्किल से आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पापा को, अंकल को, नाना को, नानी को या अपने दादा दादी को या बहुत सारे आसपास के लोगों को स्ट्रगल करते ही देखा है मनी के बारे में। उन्होंने हमेशा देखा है कि मनी तो तभी आएगा जब हम 15-20 साल पढ़ाई करेंगे, उसके बाद हम नौकरी के लिए भागेंगे, फिर 5-10 हज़ार से शुरुआत होगी और धीरे धीरे 10-15 साल में एक्सपीरियंस होते होते आप 1-2 लाख पे जा सकते हो। ये एक बिलीफ है, ये एक पैटर्न है जो कि हमें अपने एनवायरमेंट से मिला है और ये हमने बचपन से देखा है। अब इसे चेंज करना है। इसे चेंज करने के लिए हम एंकरिंग करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, आपके एनवायरमेंट में आपको सारी चीजें एवरेज दिखाई दे रही है तो वो सारी एवरेज चीजें बार बार आपको याद दिलाती है कि लाइफ इज डिफिकल्ट, लाइफ इज चैलेंजिंग। अब इसी को अगर हम चेंज कर दें, क्या करें? एंकरिंग करके। मैं आपको कहूंगा एंकरिंग मतलब एक हुक
वो हुक बना दे कि वो चीज़ करते ही तुरंत हमारा स्विच जल जाए, वो चीज़ करते ही तुरंत हमें याद आ जाए यार आई कैन अर्न लॉट ऑफ मनी। तो एक काम करते हैं, बिल्कुल सिंपल बोलते हैं, मेरे साथ बोलिए आई डिजर्व टू बी मिलियनेयर, आई डिजर्व टू बी ए मिलियनेयर, मैं मिलियनेयर बनना डिजर्व करता हूँ, मेरे साथ बोलिए ये, ओके। लेकिन अब इसको ऐसे बोलना नहीं है, इसके साथ साथ एंकरिंग करनी है, ओके। जैसे कि जितनी बार आप बोलें आई डिजर्व टू बी ए मिलियनेयर, उतनी बार आप अपने हाथ को ऐसे कहें, यू कैन जस्ट हिट इट लाइक दिस, आई डिजर्व टू बी ए मिलियनेयर, आई डिजर्व टू बी ए मिलियनेयर, आई डिजर्व टू बी ए मिलियनेयर, आई डिजर्व टू बी ए मिलियनेयर। यू नो 500 बार आपने ये कर लिया तो क्या होगा, कभी भी गलती से हाथ आपका ऐसे टच हुआ अपने हाथ पे, जो कि होता ही है, हम अपने हाथ को कई बार ऐसे टच करते हैं, ऐसे टच करते हैं, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, किसी भी तरह से एंकरिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ओके, कि हर बार आप बोलें आई डिजर्व टू बी ए मिलियनेयर, मेरे पास करोड़ों रुपये आ रहा है, आप अपने हाथ को हिट कर रहे हैं, मेरे पास करोड़ों रुपये आ रहा है, मेरे पास करोड़ों रुपये आ रहा है, मेरे पास अरबों रुपये आ रहा है, मेरे पास बहुत प्रॉफिट आ रहा है, मेरी हर चीज़ में तरक्की हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा हूँ, मैं इन अनलिमिटेड ग्रोथ कर रहा हूँ। आपको जो भी एक पर्टिकुलर शिफ्ट चाहिए आपकी लाइफ में, जैसे कि इस समय आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए, मेरे पास 10 करोड़ रुपए आ रहे हैं, अगर आपको 100 करोड़ चाहिए, मुझे 100 करोड़ रुपए आ रहे हैं, एंड ये पॉइंट बार बार हिट कर सकते हैं, एनी पॉइंट। एंड होगा क्या, 500 हज़ार 2000 बार आपने ये पॉइंट हिट कर लिया, उसके बाद क्या होगा, आपका ब्रेन प्रोग्राम हो गया, यहाँ हमारा मतलब 100 करोड़ आएगा, यहाँ हमारा मतलब 100 करोड़ आएगा, यहाँ हमारा मतलब 100 करोड़ आएगा, या यहाँ टच किया मतलब 100 करोड़ आएगा, यहाँ टच किया मतलब 100 करोड़ आएगा। अगर आपने इस पोजीशन पे हाथ ऐसे रखने को एंकर कर दिया आपकी ग्रोथ से, तो जितनी बार हाथ टच होगा माइंड सोचेगा अब तो ग्रोथ होने वाली है। बस ये है एंकरिंग दोस्तों, बड़ी सरल एक्सरसाइज है। एंड आप किसी भी चीज़ को एंकर कर सकते हैं, मान लीजिए मैं अपना फ़ोन ले रहा हूँ और मैं कहूँ जितनी बार मैं इस फ़ोन को टच करूँ कॉन्शियसली, मैं कहूँ आई एम अ बिलियनेयर, 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 1000 बार, 10000 बार, 5000 बार, मैंने बार बार जितनी बार फोन को टच किया कॉन्शियसली अपने आप को बोला आई एम अ बिलियनेयर। अब होगा क्या, सुबह पहले मैं जल्दी जल्दी में घर से बाहर निकलने के लिए निकलूंगा, फोन उठाऊंगा, फोन ही साथ में उठाऊंगा, माइंड को तुरंत क्या वायरिंग होगा, ओ आई एम अ बिलियनेयर, क्यों, क्योंकि अनजाने में स्विच तो दब गया है, स्विच दब गया है तो बल्ब भी जलने वाला है। दोस्तों I want you to program your life with the help of this technique and I assure you, results इतने speed से आएंगे कि आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे, आपको मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। So anchor your phone, anchor your key, anchor your body, आपकी body में, मैं तो बार बार कहता हूँ पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और बार बार ये action मैं करता हूँ, ओके, स्टेज से करता हूँ बार बार, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, I deserve to be a millionaire, मैं सर्वशक्तिमान हूं। तो ये वाला स्पेस मैंने एंकर कर रखा है अपनी जिंदगी में हाईएस्ट लेवल के अचीवमेंट्स के लिए, और जब भी मेरा हाथ यहां पे टच करता है उतनी बार ब्रेन में सर्किट फायर हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है। दोस्तों ये प्रोसेस कहलाती है एंकरिंग, आप चीजों को एंकर कीजिए एंड अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली चेंज कीजिए। और अगर डिटेल में इन चीजों को समझना चाहते हैं तो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच Season 7 जरूर ज्वाइन कीजिए एंड मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंकरिंग जरूर कीजिए और एंकरिंग करने के बाद मुझे फीडबैक जरूर भेजिए, क्योंकि अगर आपने फीडबैक नहीं भेजे तो मज़ा नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा। वीडियो को लाइक करते रहें, फैला दें, कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है। थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय।